जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो इन द लास्ट लेसन व्हाट वी स्टडीड, आई होप दैट यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड इट एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सो लेट मी रिमाइंड यू वंस मोर दैट इन द लास्ट लेसन वॉज अबाउट द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी कि कैसे वो इंडिया में आए, कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ, ब्रिटिश पावर स्टैब्लिश कैसे हुआ इंडिया में. ओके, इंडिया में जो अंग्रेज आए थे वो कैसे आए, उन्होंने कैसे अपना पैर जमाया इंडिया के अंदर, क्योंकि वो आए तो इंग्लैंड से थे. बट हाउ दे बिकेम द सुप्रीम रूलर ऑफ इंडिया, सो दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द लेसन. एंड व्हाट वर द मेन थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टुगीज अराइव्ड एंड देन डच पीपल एंड ऑल्सो द इंग्लिश पीपल दैट जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं, द सेम पीपल एंड द फ्रेंच पीपल. ओके, आफ्टर देयर अराइवल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. मुगल एम्पायर जो यहाँ का सबसे बड़ा पावर हुआ करता था उस समय पर, सबसे बड़े जो राजा या साम्राज्य हुआ करता था वो ब्रिटिश पावर था, सॉरी मुगल एम्पायर था. तो वो कैसे खत्म हुआ एंड हाउ द ब्रिटिश पावर केम इन टू एग्जिस्टेंस, ये भी हमने पढ़ा. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था इंडिया के साथ और जो बिजनेस राइवलरी थी, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, वो व्यापार करने के लिए आई थी यहाँ पर, ट्रेड करने के लिए आई थी. बट यहाँ पर उन्होंने कैसा बिजनेस किया और बिजनेस में उनकी राइवलरी यानी कि दुश्मनी हुई फ्रेंच कंपनी, पोर्टुगीज कंपनी, डच कंपनी से, फिर उनके युद्ध भी हुए एंड धीरे धीरे कंपनी एक्सपांड करने लगी. जो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे फ्रेंच कंपनी के साथ हुए, एंड कार्नेटिक वॉर के रिजल्ट क्या हुए कि फ्रेंच कंपनी हार गई थी. जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ एंड देन द थर्ड कार्नेटिक वॉर, एंड दिस थर्ड कार्नेटिक वॉर इज ऑल्सो नोन एज द वांडी वॉश. वांडी वॉश में ब्रिटिश आर्मी ने फ्रेंच को रूल आउट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, एंड बहुत कम एरियाज पर फिर फ्रेंच आर्मी बची थी, फ्रेंच पीपल बचे थे और वो छोटा मोटा व्यापार यहाँ पर करते थे. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल को भी ब्रिटिश ने अपने अंडर मिलाया, अली नगर की ट्रीटी हुई, फिर एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था विच वॉज इन 1757, एंड बैटल ऑफ बक्सर ऑल्सो इन 64, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध एंड अलाहाबाद हैपेंड. ट्रीटी विथ मुगल एम्परर शाह आलम वॉज ऑल्सो साइंड, एंड देन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें हमने हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था, एंड एंग्लो मराठा वॉर्स यानी कि इंग्लिश एंड मराठा पीपल के बीच में भी वॉर हुआ, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड वॉर, एंड देन लॉर्ड विलेजली वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया, एंड देन एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौज़ीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. Alright, so today we are going to understand about how this people ruled in India, how was their administrative structure, यानी कि वो जब शासन करते थे तो उनका पूरा सिस्टम कैसे होता था. इट वॉज नॉट लाइक अ किंग कि एक राजा ब्रिटिश सरकार से एक राजा यहाँ आता था और वो राज करता था. दे हैड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिससे यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, व्यापार भी किया जा सके, एंड लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया जा सके, एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन की जा सके. सो दे हैड इट, एंड हाउ वॉज देयर पॉलिसी एंड वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि इंडिया पर उसका प्रभाव क्या पड़ा. सो लेट अस स्टार्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट इन इंडिया. सो उसने अपनी जितनी भी राइवलरी कंपनी थी, चाहे फ्रेंच हो, फ्रेंच कंपनी हो, पोर्टुगीज कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट किया. एंड ऑल्सो बाई हैविंग डिफरेंट वॉर्स लाइक कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जो भी हमने पढ़ा, इन सभी युद्ध के बाद में लगभग पूरा इंडिया 1857 के आसपास वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डीप कि वो कैसे सक्सेस रहे.
So very first reason was the unstable political condition of India. At that time the condition of India was unstable, यानी कि इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी. एंड द रीज़न वॉज द किंग्स वर फाइटिंग ईच अदर एंड इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉल किंगडम्स. और जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय का, दैट वॉज मुगल एम्पायर. एंड मुगल एम्पायर में कोई एबल रूलर उस समय पर नहीं था. दैट मीन्स सबसे बड़ा साम्राज्य भी कमज़ोर हो चुका था. एंड दैट वॉज द रीज़न कि बाहर से कंपनियाँ आई और इंडिया में राज करना स्टार्ट कर दिया. Now the problem was that बाहर की कंपनी भी अगर राज करती तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग इंडिया. दे डिड नॉट वॉन्ट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दे डिड नॉट वॉन्टेड टू डेवलप इंडिया. देयर ओनली एम वॉज टू लूट इंडिया. इंडिया को लूटना है. कैसे लूटना है? थ्रू बिजनेस. बिजनेस में कैसे लूटा जा सकता है? अगर दूसरे राजा के अंडर में काम करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा. यहाँ के लोगों का हम शोषण भी नहीं कर पाएंगे. जैसा राजा कहेगा वैसा करना पड़ेगा. सो वॉट दे डिड, दे स्टार्टेड हैविंग वॉर्स विद द लोकल रूलर्स एंड दे एक्वायर्ड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. एंड आफ्टर दैट, क्योंकि उनके हाथ में अब राज करने की क्षमता आ चुकी थी, नाउ दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे उनको हर चीज़ में फ़ायदा होता था. लाइक बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था. रॉ मटेरियल्स यहीं के लोगों से लेते थे, रॉ मटेरियल्स सस्ते भाव में मिलते थे, एंड वही मटेरियल इंग्लैंड जाता था. वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में उससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता था और इंडियन मार्केट में आकर के वापस से बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों में बेचा जाता था. एंड ऑल्सो रिवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा. सो दैट वॉज द प्रॉब्लम कि इसके कंपनी के जितने भी लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, डिसऑनेस्ट थे. उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग प्रूव टू बी फैटल फॉर द इंडियन पीपल. एंड द रीज़न वॉज दैट कि वो लोग कभी भी इंडियन पीपल का फ़ायदा नहीं चाहते थे. दे ओनली वॉन्टेड टू हैव यू नो प्रॉफिट इन देयर बिजनेस, दैट्स इट. एंड कंपनी ऑफिशल्स ने कोशिश की कि थोड़ा सा अच्छा रूल किया जाए, और ट्रेंड ऑफिशियल्स को इंग्लैंड से यहाँ भेजा गया ताकि वो ठीक से यहाँ पर इंडिया को कंट्रोल कर पाए और ज़्यादा ट्रेड कर पाए. बट प्रॉब्लम वही हुई, यही कंडीशन बनी रही कि वो ऑफिशियल्स भी आए, दे ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग रेदर देन यू नो द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सो दैट प्रूव टू बी फैटल फॉर इंडियन पीपल, एंड दस द कंपनी रोब्ड the Indian traders also, farmers also, artisans and the kings as well. So ये एक problem हमारे पास होने लगी थी. After that, if we talk about some other thing like dual rule in Bengal. So this concept of dual rule was that you know, they had many wars and they signed treaty with different emperors and different kings. सो ज़्यादातर एरिया का दीवानी राइट, लाइक बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो दीवानी राइट था, दीवानी राइट मीन्स टू कलेक्ट द रिवेन्यू, तो ये राइट्स कंपनी को मिल चुके थे. एंड व्हाट डज कंपनी मीन? कंपनी का यहाँ पर मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी कंपनी. ओके, सो उसको पूरा पावर मिल चुका था बिहार, उड़ीसा और बंगाल से टैक्स कलेक्ट करने का, रिवेन्यू कलेक्ट करने का. अब इन सारे जो पावर्स थे, इनका फ़ायदा उठा करके वो बंगाल में रिवेन्यू कलेक्ट करने लगे. एंड जो वहाँ के नवाब थे, लोकल नवाब, जो वहाँ के किंग थे, नजमुद्दौला वॉज द नवाब. सो ही हैंडेड ओवर द राइट ऑफ द निज़ामत टू द कंपनी, बट द कंपनी वॉज नॉट रेडी टू बियर सच वनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रॉब्लम वॉज दैट कि वो सिर्फ यहाँ पर लूटना चाहते थे, वो यहाँ की जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते थे. तो नवाब वहाँ की जिम्मेदारियाँ उठा रहे थे, लाइक टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, बाहर के जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे सुरक्षा. तो ये सारी चीज़ें नवाब वहाँ के उठाते आ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते आ रहे थे. बट जब इन्होंने कंपनी को वो चीज़ें हैंड ओवर करने के लिए बोला तो कंपनी वो जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहती थी. वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड थी और आर्मी मेंटेन करने में कलेक्टेड थी, ताकि इंटरेस्टेड थी ताकि उनका पावर बना रहे. सो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे बंगाल के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने
साफ मना कर दिया एंड उन्होंने सिर्फ आर्मी और टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है वो अपने हाथ में रखी और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निज़ाम के हाथ में ही, नवाब के हाथ में ही रहने दी। एंड देन थोड़ा सा चेंजेस हुआ एंड थोड़ा सा जो चेंजेस था वो क्या था, द कंपनी अपॉइंटेड राजा खान एज द नाइब दीवान ऑफ बंगाल एंड सिताब रानी इंटरेस्टेड द सेम टास्क इन बिहार। सो एक्सपेंसेस ऑफ निज़ामत मेंटेनेंस एंड नवाब एंड पेंशन ऑफ मुगल एम्परर वर पेड द अमाउंट कलेक्टेड इज रिवेन्यू एंड द रिमेनिंग मनी वॉज डिपोजिट इन द ट्रेजरी। सो जितना भी वहाँ का खर्चा होता था, इन चीज़ों में जितना भी खर्चा होता था वो पूरा का पूरा खर्चा रिवेन्यू में से काट लिया जाता था और बाकी का रिवेन्यू ब्रिटिश कंपनी की ट्रेजरी में यानी कि उनके खजाने में पहुंचा दिया जाता था। तो इसका मतलब है कि आधा पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था बंगाल का और आधा पावर जो लोकल रूलर्स थे उनके पास था एंड इसी को बोला जाता है ड्यूअल रूल। ओके, वन मोर टॉपिक। सो व्हाट वर द डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम? डीमेरिट्स यही थी कि जो बंगाल था वो अनसेफ था बिकॉज आर्मी और ट्रेजरी कंपनी के हाथ में थी और लॉ एंड ऑर्डर था जो वहाँ के लोकल रूलर थे, नवाब थे, उनके हाथ में। दैट्स वाई द नवाब वर वेरी वीक क्योंकि उनके पास खजाना नहीं था सेफ करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिसके पास पैसा था, जिसके पास ट्रेजरी थी, आर्मी थी, वो बंगाल को सुरक्षित रखना ही नहीं चाहता था। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम एंड वहाँ के जो लोग थे बंगाल के, उनके भले के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया जा रहा था। बट फिर 1772 में वहाँ के लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग को जो बनाया गया नया गवर्नर, उन्होंने वहाँ के ड्यूअल रूल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और निज़ामत और दीवानी यानी कि टोटल राइट्स जितने भी थे वो अपने अंडर में ले लिए। एंड अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे यानी कि जो बंगाल के नवाब थे, उनके पास सिर्फ एक ही काम था, वो आराम से बैठे, जो भी कामकाज है उसको दूर से देखें एंड टू गेट पेंशन यानी कि एक फिक्स अमाउंट जो था मनी का, पैसे का, वो नवाब को कंपनी के द्वारा दे दिया जाता था। दैट्स इट। थैंक यू।